नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। एक तरफ पूरा देश विश्व डाक दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर कुमार धूबी का डाकघर अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर है। बैठने को ना कोई जगह, न ही सर छुपाने को छत है। आपको बता दें कि कुमार धूबी डाकघर वर्तमान में जिस स्थिति में है, उससे यह लगता है कि विश्व डाक दिवस मनाने बेईमानी होगी। डाकघर के बाहर अतिक्रमण कर लिया गया, लोगों को बैठने का तो छोड़िए, खड़े होने तक का स्थान सुरक्षित नहीं है, न ही शौचालय है। दरअसल जर्जर दीवार व भवन की स्थिति ऐसे कि कभी भी दुर्घटना हो जाए। इस संबंध में मौके पर मौजूद प्रभारी पोस्ट मास्टर ने बताया कि जर्जर भवन व दीवार की सूचना लगातार विभाग को दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भवन के अंदर हम लोगों के साथ मशीन भी असुरक्षित है, जो आए दिन खराब हो जाते हैं। बारिश होते ही पानी टपकना शुरू हो जाता है, मजबूरन हम सबको जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा है। न जाने विभाग की कब दृष्टि इस जर्जर भवन पर पड़ेगी। निरसा से संवाददाता अशोक चौहान की रिपोर्ट। डाक दिवस हम लोग के लिए यहाँ का जो स्थिति है बिल्डिंग का, हम लोग तो आपका नया युग में 21वीं सदी पार कर रहे हैं और स्थिति ज्यों का त्यों है, पुराना व्यवस्था में ही चल रहे हैं। भले आपका मशीन वगैरह टेक्नोलॉजी दिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थिति ज्यों का त्यों है, एकदम ये है। हम लोग इसको अपना विभागीय स्तर से, अपना स्तर से, मैंने जहाँ तक पत्राचार का जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग लिखे हैं कि बाहर बरंदा, तो पदाधिकारी का कहना है कि ये संस्था, ये जगह जो है सो आपको KMCL का, जिसके कारण NOC नहीं मिलने के कारण जो है सो कोई इन्वेस्टमेंट या कोई यहाँ से जबूल नहीं करना चाहिए। उसके चौकी अभी हम लोग का जो व्यवस्था है वो तो सुखा हुआ है नहीं। अभी हमारे पास ये मैंने चौकी वाले सब इंक्रोचमेंट नहीं है, ये लोग हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि बिछाना, ये जो जहाँ तक जो है चौकी बिछा देते हैं कस्टमर को बैठने के लिए। ये आपको अतिक्रमण नहीं बोलिए, अतिक्रमण एक है जिसको ये सामने टेम्पू वाला, हम लोग लेटर बॉक्स के सामने कितना गंदगी फैला कर रखा है। देखिए, हम लोग यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आते, हम लोग आपको समझा रहे हैं, आपको बोल सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, आपको बढ़िया से विनम्र भाषा में बोलेंगे, भाई ये संस्था आप लोग के क्षेत्र का है, यहाँ रख रखाव का जिम्मेवारी हम लोग का है, तो आप लोग सहयोग कीजिए, यहाँ टेम्पू लगा दीजिएगा, ठेला लगा दीजिएगा, गंदगी का अंबर लगा दीजिएगा, तो हम लोग आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा मत कीजिए। एक टेम्पू वाला है, थाना को भी लिखे दिए हैं कि आप बिल्डिंग के समीप जो है सर रख रखाव में साफ सुथरा स्वच्छता के लिए। ऑटो वाला का नाम क्या है? तो सर हमको लेकिन बुला हले करोनी सन बावरी पोस्ट मास्टर नहीं है, लेकिन पोस्ट मास्टर के मैं ही माना जाए।